से पहले भाई ये RC22 इतनी हार्ड गेम क्यों है यार, भाई विकेट ही नहीं मिलती यार। बात तो सही है भाई, छक्के पे छक्के मारे जा रहे, जितने छक्के पूरे T20 मैच में नहीं लगते उतने तो इन्होंने एक ओवर में मार दिए, और 140 मीटर का चेरन भाई गेम स्टेडियम बाहर ही मार दी क्या बॉलिंग ट्रिक के बाद। भाई क्या है ये, कोई गेम है RC20 भाई? इतना इजी गेम, हर ओवर में ही विकेट मिले जा रही है भाई। बॉलिंग करना तो एकदम ही आसान है, और हैट्रिक पे हैट्रिक हर ओवर में भाई, कोई भी बॉलर हो आराम से हैट्रिक ले सकते हैं। लो भाई एक और हैट्रिक मिल गई, भूबी भाई बस करो यार, कितनी हैट्रिक लोगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हैट्रिक लेना कितना आसान है। अगर आप भी हैट्रिक लेना चाहते हैं, हर ओवर में विकेट लेना चाहते हैं और अपनी गेम को एकदम आसान बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बॉलिंग ट्रिक आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। उसके बदले बस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस ईयर के लास्ट तक हमें कैसे भी 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बॉलिंग ट्रिक का पहला स्टेप तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें बस आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से बॉलर चूज करने हैं। तो गाइस बॉलिंग ट्रिक के हिसाब से हमारी टीम में 4 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर होना चाहिए, और फास्ट बॉलर्स में मैंने रखा है भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को। तो दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ कि बॉलिंग ट्रिक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फील्डिंग, और बहुत सारे लोग इसी पार्ट को मिस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, जिस वजह से वो बॉलिंग ट्रिक यूज नहीं कर पाते। इसलिए फील्ड प्लान को ध्यान से देखना, और इस बार फील्डिंग हमें खुद से सेट नहीं करनी है, पहले से ही सेट होगी, बस आपको जाके चूज करना है अटैकिंग 5 फील्ड को। तो गाइस बॉलर चूज करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें किस साइड से बॉलिंग करनी है। अगर हमारे सामने राइट हैंड बैट्समैन है तो हमें अंपायर के लेफ्ट साइड से बॉलिंग करनी है, और अगर हमारे सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो अंपायर के राइट साइड से बॉलिंग करनी है, यानी कि बस आपको उल्टा करना है। तो दोस्तों अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें एक माइनर सी मिस्टेक भी आपके पिछले तीनों स्टेप्स को बर्बाद कर सकती है, इसलिए बॉलिंग ट्रिक आपकी वर्क भी नहीं करेगी। तो इस स्टेप को एकदम ध्यान से देखना, बहुत छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें बॉल के टप्पे की, तो वो आपको बैट्समैन के पैरों के पास जो व्हाइट लाइन दिख रही है उसी पे आपको एकदम बॉल का टप्पा रखना है, और स्विंग की डायरेक्शन आपको और अंदर की तरफ रखनी है, ताकि विकेट्स की तरफ एकदम गेंद घूमती हुई जाए, और बॉल की स्पीड भाई जितनी ज्यादा रखोगे उतने विकेट्स मिलने के चांसेस हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहले मैं 2 विकेट ले चुका हूं, और उसी लाइन लेन पे रख के मैं एक और विकेट लेके दिखाता हूं, और कैच फिर से फील्डर के हाथों में, और हमें हैट्रिक मिल चुकी है। तो गाइस आप लोग भी ऐसी विकेट ले सकते हैं, और अगर ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो।